विद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने लोक प्रशासन की विचारधाराओं के अंतर्गत लोक प्रशासन का समाजशास्त्र के साथ संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषय को चुना है। आज के सत्र की संपूर्ण चर्चा को हम कुछ शीर्षकों में विभाजित करते हैं, जैसे प्रस्तावना, संबंधों के अध्ययन की आवश्यकता, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र, अंतर संबंध, भविष्य की संभावनाएं और सारांश। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन समाज के प्रशासनिक पक्ष अर्थात प्रशासनिक संस्थाओं और उनके कार्यों का, समाज हेतु प्रशासन की उपयोगिता का और प्रशासन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करता है। वास्तविकता में सभी सामाजिक विज्ञान अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित होते हुए भी एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और वह है समाज। यही समाज सभी सामाजिक विज्ञानों को अंतर संबंधित भी कर देता है। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र में भी गहरा अंतर संबंध पाया जाता है। विद्यार्थियों, उन सभी विज्ञानों को हम सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं जो समाज का किसी न किसी प्रकार से अध्ययन करते हैं। जैसे लोक प्रशासन समाज में प्रशासनिक संस्थाओं का, उनके कार्यों का, उनकी चुनौतियों का अध्ययन करता है, तो दूसरी तरफ समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में ये केंद्रित होते हैं तो सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो समाज का अध्ययन करते हैं तो वो सभी एक दूसरे पर संबंधित भी हो जाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हो जाते हैं। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र भी एक दूसरे पर न केवल अंतर्निर्भर हैं बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप में संबंधित भी हैं। संबंधों के अध्ययन की आवश्यकता। प्राचीन यूनान के प्लेटो और अरस्तु के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन का एकल विषय माना गया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात इस दिशा में अनुसंधान में तेजी आई और सामाजिक विज्ञान का अनेक विषयों में वर्गीकरण हो गया, परंतु यह वर्गीकरण सामाजिक घटनाओं के जटिल स्वरूप को सम्मिलित परिप्रेक्ष्य में समझने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों, प्लेटो और अरस्तु के समय से सामाजिक विज्ञान को केवल एक एकल विषय माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे विशिष्टता बढ़ी वैसे ही वैसे वर्गीकरण हुआ। एक सामाजिक विज्ञान इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अनेक विषयों में बढ़ता गया। लेकिन समस्या तब आई जब सामाजिक घटनाओं को, जो कि विविधतापूर्ण होती है, जो बहुआयामी होती है, उनको ये सभी विषय अलग अलग नहीं समझ सके। आज यह स्पष्टतया स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन अन्य घटनाओं के संदर्भ से अलग रखकर नहीं किया जा सकता। एक सामाजिक घटना विविध प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है, अतः घटना को हम एकाकी दृष्टिकोण के आधार पर भलीभांति विश्लेषित नहीं कर सकते। हमें उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं और संदर्भों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। छात्रों, जैसे जैसे हमारा जीवन और सामाजिक जीवन जटिल होता गया है, यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या कोई भी अकेला सामाजिक विज्ञान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आप बाल श्रम की समस्या को लीजिए, यह केवल प्रशासन की समस्या नहीं है, यह केवल समाज की समस्या नहीं है, यह केवल राजनीति विज्ञान की समस्या नहीं है। बाल श्रम को यदि हम सामाजिक रूप में समझें तो यह एक सामाजिक दोष के रूप में सामने आएगा, लेकिन आर्थिक मजबूरी के रूप में आर्थिक अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करेगा। हमें इसका इतिहास देखना पड़ेगा और यही तथ्य बताता है कि कोई भी सामाजिक घटना बहुत सारे कारकों के, सामाजिक विज्ञानों के अलग अलग स्वरूपों का एक समेकित रूप है। लोक प्रशासन भी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, अतः समाज की विविध घटनाओं को केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोणों एवं संदर्भों में भी विश्लेषित करना उपयोगी रहता है, ताकि घटना का वास्तविक मूल्यांकन होकर उचित प्रशासनिक निर्णय लिए जा सके। यही तथ्य लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र को एक दूसरे के अत्यंत निकट ले आता है।
विद्यार्थियों, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के सामने भी यह प्रमुख समस्या आई कि कोई प्रशासनिक निर्णय लेते समय, कोई किसी भी प्रकार का समाज के सामने चुनौती के समाधान के लिए कोई क्रिया करते समय यह समझना जरूरी हो गया कि उस प्रशासनिक समस्या का समाज में क्या मूल है, उसका सामाजिक रूप से क्या संदर्भ है और उसका समाधान सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कैसे निकाला जा सकता है। यहीं पर लोक प्रशासन और समाजशास्त्र एक दूसरे से बहुत निकट से अंतर संबंधित हो जाते हैं। लोक प्रशासन व समाजशास्त्र एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में, यद्यपि लोक प्रशासन का जन्म सन 1887 में राजनीति विज्ञान से पृथक होकर माना जाता है, परंतु व्यवहार में इसका अस्तित्व राज्य जैसी संस्था के समकालीन माना जाता है। राज्य और शासन के सहायक अभिकरण के रूप में यह अपनी सेवाएं बहुत ही प्राचीन समय से देता आ रहा है। आज लोकतंत्र व लोक कल्याणकारी अवधारणाओं की लोकप्रियता के मध्य लोक प्रशासन के दायित्व भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। विद्यार्थियों, यह सत्य है कि एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ, लेकिन हम मान सकते हैं कि राज्य के आविर्भाव से ही लोक प्रशासन एक सहायक अभिकरण के रूप में अपना कार्य करता आ रहा है। इस चीज़ को हम ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जैसी गैस जो जीवनदायिनी गैस है, उसकी खोज 1774 में हुई थी, लेकिन यह गैस मानव के उद्भव से ही एक जीवनदायिनी गैस के रूप में कार्य कर रही है। लोक प्रशासन आज लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी अवधारणाओं के प्रभाव से अपनी भूमिका को बहुत ही विस्तृत अवस्था में पाता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्था और क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना सन 1838 से मानी जाती है, परंतु समाज जैसी संस्था और उससे जुड़ी अंतः क्रियाओं का अस्तित्व तभी से है जब से मानव ने पृथ्वी पर समूह में रहना आरंभ किया है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे पूर्ण स्वतंत्र विज्ञान माना था और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसके अंतर संबंधों को अस्वीकार किया था। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की भी ठीक वही स्थिति है। जब से मानव ने समूह में रहना आरंभ किया, सामाजिक संबंधों का निर्माण हो गया और समाजशास्त्र और उसकी अंतःक्रियाएं तभी से अस्तित्व में आ गई। इसके जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने तो कहा था कि और किसी सामाजिक विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के अंतर संबंधों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज स्थिति थोड़ी परिवर्तित हो गई है। आज अधिकांश समाजशास्त्रीय मानते हैं कि समाजशास्त्र का समाज से जुड़े अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है। स्पष्टतः इस जाल में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं, वर्ग तथा संगठन अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यही भूमिकाएं लोक प्रशासन के कार्यकरण को भी प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, आज स्पष्टतया मान लिया गया है कि लोक प्रशासन समाजशास्त्र से प्रभावित होता है और समाजशास्त्र पर भी लोक प्रशासन की क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इन दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। अंतर संबंध लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र का परस्पर संबंध बहुत गहरा है। लोक प्रशासन वृहद सामाजिक व्यवस्था में कार्यरत अनेक उपव्यवस्थाओं में से एक उपव्यवस्था है। इन अंतर संबंधों को निम्न विचार बिंदु स्पष्ट करते हैं। प्रथम, अध्ययन के एक समान केंद्र बिंदु। लोक प्रशासन में संगठन, सत्ता, मूल्य, नैतिकता, दबाव समूह, न्याय इत्यादि का अध्ययन प्रशासकीय मानकों व सिद्धांतों के आधार पर होता है। ये सभी तत्व समाज शास्त्र के भी अध्ययन के केंद्र बिंदु है। विद्यार्थियों, समाज एक व्यवस्था है और सभी सामाजिक विज्ञान उपव्यवस्थाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी उपव्यवस्थाएं मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करती है। दो उपव्यवस्थाओं के रूप में लोक प्रशासन और समाजशास्त्र भी अंतर संबंधित हैं। जैसा कि हम पाते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जैसे सत्ता, मूल्य, नैतिकता, दबाव समूह, इनका अध्ययन आप लोक प्रशासन के संदर्भ में भी करते हैं और समाजशास्त्र भी इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से करता है। यही नहीं, लोक प्रशासन में गुटबाजी, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों की स्थिति, समाज की प्रशासन से अपेक्षा,
जातीय संघर्ष जैसी जटिल समस्याओं का अध्ययन समाज शास्त्र की सहायता से सरलतापूर्वक हो सकता है। छात्रों, इन सभी समस्याओं को जिनका सामना प्रशासन को करना पड़ता है, उनके समाधान का उत्तरदायित्व उस पर आता है। इसका जो सबसे अच्छा अध्ययन हो सकता है वो समाज शास्त्र की दृष्टि से हो सकता है, जो लोक प्रशासन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। द्वितीय, समाज और लोक प्रशासन। किसी राष्ट्र का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा वहाँ का समाज होता है। उस समाज के आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास एवं आकांक्षाएं इत्यादि लोक प्रशासन को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में नए एवं परंपरागत सामाजिक मूल्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति है। ऐसे में लोक प्रशासन को किस प्रकार सामाजिक संरचना में स्वयं को ढालना चाहिए, यह अंतर संबंधों का मुख्य अध्ययन बिंदु है। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है, वो किसी राष्ट्र में निवास करने वाले एक विशिष्ट समाज के मध्य कार्य करता है। तो लोक प्रशासन के संस्कृति क्या होगी, लोक प्रशासकों के सोचने का तरीका क्या होगा, वो सभी प्रशासक उसी समाज से आते हैं। इसलिए उस समाज के मूल्य, उस समाज के आदर्श, ये सभी लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन को इस बात पे भी ध्यान देना होता है कि जिस समाज में वो कार्य कर रहा है उसके आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप वो अपने में कैसा परिवर्तन लेके आए। तो यह लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के मध्य गहरे अंतर संबंधों की स्थापना करता है। तीसरा, प्रशासकों की सामाजिक पृष्ठभूमि। आज मानव व्यवहार को स्थिर मानने की बजाय गतिशील मानते हुए प्रशासन के सिद्धांतों एवं संरचना का विवेचन किया जाता है। किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रशासक द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय क्यों लिया गया, इसके विश्लेषण हेतु प्रशासकों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए लोक प्रशासन के विद्वान समाजशास्त्र द्वारा विकसित साधनों का उपयोग करते हैं, जो इसके घनिष्ठ अंतर संबंधों का प्रतीक है। विद्यार्थियों, सभी सामाजिक विज्ञानों ने अपने अध्ययन में पहले मानव के जो व्यवहार को है स्थिर माना था, लेकिन ऐसा करने से उनके सिद्धांत थे वो उपयुक्त मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए आज के जो सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति है वो मनुष्य के व्यवहार को गतिशील मानती है और उसी दृष्टि से अपने सिद्धांतों को भी गतिशीलता प्रदान करती है। आज किसी भी परिस्थिति में किसी प्रशासक ने जो प्रशासनिक निर्णय लिया है उसका विश्लेषण करने में उस प्रशासक की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चतुर्थ, सामाजिक परिवर्तन और लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का मूलभूत लक्ष्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक विकास और कल्याण द्वारा नागरिकों के जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाए। इसके लिए लोक प्रशासन व्यापक स्तर पर सरकारी कार्यक्रम तथा परियोजनाएं संचालित करता है। इन सभी प्रशासनिक कार्यक्रमों की सफलता तभी संभव है जब सामाजिक संरचना, व्यवस्था तथा परिवर्तनों को वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषित किया जाए तथा सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को दूर किया जाए। सामाजिक परिवर्तनों का अभिकर्ता बनने हेतु लोक प्रशासन को तदनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना होगा, जो सामाजिक विश्लेषण के बिना संभव नहीं है। छात्रों, आज प्रशासकों द्वारा ये स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि किसी विशिष्ट समाज की सामाजिक परंपराओं और सामाजिक संबंधों को विश्लेषित किए बिना चाहे कोई भी प्रशासनिक कार्यक्रम लागू किया जाए उसकी सफलता सदैव संदिग्ध बनी रहेगी। जैसे भारत में बाल विवाह की समस्या को सुलझाने के लिए आपको उसके सामाजिक कारकों को स्पष्ट रूप से विश्लेषित करना होगा, अन्यथा आप कितने भी कानून बना दें, चाहे प्रशासन कितना भी सख्त हो जाए, इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। वर्ग व्यवस्था तथा लोक प्रशासन। प्रत्येक समाज में धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक आधारों पर विभिन्न वर्ग निर्मित हो जाते हैं। इन वर्गों के पारस्परिक संबंध लोक प्रशासन के कार्यकरण को प्रभावित करते हैं। वर्ग व्यवस्था के फलस्वरूप विभिन्न समूह निर्मित हो जाते हैं जो अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रशासन को प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन के माध्यम से उच्च पद प्राप्त करके एक व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। विद्यार्थियों, जिसे हम समाज कहते हैं उसको यदि थोड़ा गहराई से देखा जाए तो वो आपको धार्मिक संस्थाओं के रूप में मिलेगा, वो आपको सामाजिक संस्थाओं के रूप में मिलेगा और वो आपको आर्थिक संस्थाओं के रूप में भी मिलेगा। ये जो सभी संस्थाएं बनती हैं किसी हित को पूरा करने की दृष्टि से,
बनती है, इसलिए इन्हें हित समूह भी कहा जाता है, इन्हें दबाव समूह भी कहा जाता है। और अपने हितों की पूर्ति ये प्रशासन और शासन पर प्रभावित करके और दबाव डाल के करती है। इन सब की जो परस्पर विशेष रूप से गतिशील संबंध होते हैं, उनका प्रभाव लोक प्रशासन के कार्यकरण पर और उसकी प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, लोक प्रशासन किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में सुधार कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि उच्च प्रशासक का पद प्राप्त कर ले तो समाज में उसकी परिस्थिति है एकदम से उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। तो समाज में स्थिति और उसका माध्यम लोक प्रशासन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। छठा, सामाजिक विकास एवं प्रशासन का स्वरूप। किसी राष्ट्र में सामाजिक विकास का स्तर लोक प्रशासन के विकास को प्रभावित करता है। प्रोफेसर रिग्स ने अपने अध्ययन में यह पाया कि उन्नत देशों में जटिल एवं औपचारिक संगठन सहजता से निर्मित हो सकते हैं। जिस देश में सामाजिक व्यवस्था कम विकसित होती है, उस देश में संगठन का निर्माण भी कठिन होता है। सामाजिक विकास एवं प्रशासनिक स्वरूप में गहरा संबंध होता है। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कार्य करता है प्रशासन के माध्यम से, और प्रशासन के कार्य करने की जो पूर्व शर्त है वो है एक अच्छा संगठन, अच्छा औपचारिक संगठन। अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो समाज विकसित होता है वहाँ औपचारिक संबंध और औपचारिक संगठन का निर्माण सरलता से हो सकता है। एक अच्छा औपचारिक संगठन यानी अच्छा प्रशासन, और अच्छा प्रशासन का मतलब अच्छा लोक प्रशासन। तो इस तरह से सामाजिक विकास की स्थिति लोक प्रशासन की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। सप्तम, सामाजिक मूल्य एवं प्रशासनिक व्यवहार। सामाजिक मूल्य प्रशासनिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किसी राष्ट्र में उस राष्ट्र के समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता, सच्चाई इत्यादि प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद जैसे नकारात्मक मूल्य भी प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक संस्कृति भी सामाजिक मूल्य संरचना से प्रभावित होती है। विद्यार्थियों, सामाजिक मूल्य सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। वे चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, लेकिन एक बात निश्चित है, उसका प्रभाव प्रशासनिक व्यवहार पर निश्चित रूप से देखना पड़ता है। इसलिए यदि सामाजिक मूल्य हैं वो सकारात्मक रूप से अधिक प्रभावी हैं तो आपका प्रशासन भी सकारात्मक होगा, और नकारात्मक मूल्य यदि समाज पे हावी हैं तो वो आपके प्रशासन को भी नकारात्मक बना देते हैं। ये समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के मध्य गहरा अंतर संबंध दर्शाते हैं। अष्टम, लोक प्रशासन एवं सामाजिक परिषदें। प्रत्येक समाज में कई प्रकार की सामाजिक परिषदें पाई जाती है, जैसे खेलकूद परिषद, धार्मिक संस्थाएँ एवं व्यावसायिक संघ। इन सामाजिक परिषदों की व्यवस्था, कार्रवाई एवं विशिष्ट मुद्दे पर इनकी स्थिति लोक प्रशासन के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। इन परिषदों की सहायता से लोक प्रशासन आवश्यक जन सहयोग भी प्राप्त करता है। इन परिषदों का निरंतर दबाव रहने के कारण लोक प्रशासक सदैव सतर्क एवं उत्तरदायी बने रहते हैं। विद्यार्थियों, सामाजिक परिषदें समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उनको जागरूक बनाती है, उनके विशिष्ट मुद्दों को उठाती है और उनके किसी न किसी हित की पूर्ति करती है, और ऐसा करते हुए वे प्रशासकों और लोक प्रशासन के गहरे संपर्क में आती है। उनका यह गहरा संपर्क न केवल लोक प्रशासन को सतर्क रखता है बल्कि कई बार लोक प्रशासन के लिए मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। नवम, प्रशासनिक संस्कृति का विश्लेषण। प्रशासनिक संस्कृति का विश्लेषण करने हेतु उस राष्ट्र के सांस्कृतिक परिवेश का मूल्यांकन आवश्यक होता है, क्योंकि लोक प्रशासन उसी में कार्य करता है। धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, जाति, भाषा, मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, नातेदारी इत्यादि को समझे बिना लोक प्रशासन की कार्य संस्कृति को समझना कठिन है। आज लोक प्रशासन में मूल्य तटस्थता के स्थान पर मूल्य संबद्धता पर बल दिया जा रहा है। यह लोक प्रशासन की अपने सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। विद्यार्थियों, एक समय था जब लोक प्रशासन अपने परिवेश पर इतना ध्यान नहीं देता था और मूल्य तटस्थता को अपनाया गया था, लेकिन आज ये मान लिया गया है कि एक लोक प्रशासन अपने सामाजिक परिवेश को उपेक्षित करके किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता।
इसलिए मूल्य तटस्थता के स्थान पर मूल्य संबद्धता पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सभी सामाजिक कारक जैसे धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, जाति, भाषा, ये समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र हैं। और बड़ी रोचक बात है कि लोक प्रशासन को भी इन्हें अध्ययन करना पड़ता है अपनी कार्यकुशलता के लिए और अपनी सफलता के लिए। नौकरशाही मॉडल, लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नौकरशाही प्रतिमान एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो लोक प्रशासन में कार्यरत प्रशासकों के वैध तार्किक संगठन तथा सत्ता की व्याख्या करने का मूल प्रतिमान है। आधुनिक विश्व में भी नौकरशाही संगठन सफलतापूर्वक प्रशासनिक संरचनाओं को तार्किक एवं व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। लोक प्रशासन में समाहित अन्य तत्वों जैसे अनौपचारिक संगठन, जन सहभागिता, दबाव समूह इत्यादि का अध्ययन भी समाजशास्त्र की सहायता से संभव है। विद्यार्थियों, कितनी रोचक बात है कि लोक प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है नौकरशाही प्रतिमान, और इसको विकसित किया समाजशास्त्र के एक विद्वान मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो प्रतिमान विकसित किया था उसको आज आप देख सकते हैं, हजारों व्यक्तियों के संगठन को नौकरशाही प्रतिमान की सहायता से सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो इसलिए नौकरशाही मॉडल है वो समाजशास्त्र की तरफ से लोक प्रशासन को एक अनुपम भेंट मानी जा सकती है। वास्तविकता में लोक प्रशासन व समाजशास्त्र का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। लोक प्रशासन संगठन के बिना कार्यशील नहीं हो सकता, और संगठन मानवीय समूह का प्रतीक है, मानव समाज से आता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का मानवीय तत्व समाज विशेष से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, हम मान सकते हैं कि लोक प्रशासन जिस संगठन की सहायता से कार्य करता है वो कुछ भौतिक वस्तुओं से नहीं वरन मानवों से निर्मित होता है, और वो विवेकशील मानव किसी समाज से आता है। तो इसलिए लोक प्रशासन की कार्यकुशलता, उसकी कार्य करने की क्षमताएं, ये सभी चीज़ें समाज से प्राप्त होती है, जो कि समाजशास्त्र का अध्ययन केंद्र है। इसलिए लोक प्रशासन और समाजशास्त्र ये दोनों घनिष्ठतम और गहरे अंतर संबंधित हैं। भविष्य की संभावनाएं, आधुनिक विश्व में समाज, राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की क्रमबद्धता एवं परस्पर संबंधों को स्पष्टतया समझा जा रहा है। प्रशासन और संगठन को एक यंत्र मानने की बजाय आज जीवंत मानवों की जीवंत सहकारी संरचना माना जाता है, जो सहयोगी भी है और सहभागी भी है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं और समस्याओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण भविष्य में लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होने की पूर्ण संभावना है। विद्यार्थियों, यदि भविष्य की संभावना देखी जाए तो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र और नज़दीक आएंगे। क्यों? क्योंकि संगठन का निर्माण मानवों से होता है। जिसे हम संगठन कहते हैं वो कोई यंत्र नहीं है, वो सोचने समझने वाले विवेकशील मानवों से बना हुआ है, और मानवीय तत्व लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच में वह प्रमुख सेतु है जो दोनों को और नज़दीक ला रहा है और भविष्य में और नज़दीक लाएगा। अंत में सारांश, सामाजिक विषयों के रूप में समाज से जुड़े होने के कारण लोक प्रशासन एवं समाजशास्त्र एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और परस्पर निर्भर भी हैं। आधुनिक विश्व की बढ़ती जटिलता और मानव की बढ़ती ज्ञान की जिज्ञासा निश्चय ही दोनों विज्ञानों को और भी नज़दीक आने को प्रेरित करेगी। विद्यार्थियों, हम मान सकते हैं कि समाजशास्त्र और लोक प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन समाज के उस अभिनिष्ठ क्षेत्र पर वो दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे और करते रहेंगे। मुझे आशा है आज का जो चर्चा है, आज का जो ज्ञान है, वो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के परस्पर संबंधों को समझने में आपकी बहुत अधिक सहायता करने वाला है। धन्यवाद।